नमस्कार, दैनिक साथी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये है आज के मुख्य समाचार। रेवाड़ी सैनी सभा के चुनाव में 45 में से 24 कोलेजियम सदस्यों की जीत के साथ सूरज पैनल के चेतराम सैनी प्रधान निर्वाचित। वर्तमान प्रधान शशि भूषण सैनी को 19 सीट जीतकर छोड़नी पड़ी प्रधानी। लोड शिवा हाउसिंग सोसाइटी में 1.92 करोड़ का दुरुपयोग का मामला सामने आया है। प्रबंधन समिति पर FIR और वसूली के आदेश दिए गए। OPS श्रेणी के 220 कार्ड पोर्टल पर दर्ज, लेकिन रिकॉर्ड नहीं, राशन भी हो रहा है जारी। कंचन काया उत्सव कक्षाओं की उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने की प्रशंसा। मुल्तानी मिट्टी, दही और हल्दी का उपटन लगाकर लॉयंस क्लब मॉडल टाउन रेवाड़ी के तत्वावधान में रविवार को मनाया गया कंचन काया उत्सव। हरियाणा अनुसूचित जाति राजकीय शिक्षक संघ ने सरकारी विद्यालयों में चिराग योजना लागू करने का विरोध किया। रविवार को हुई हजरस की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पीतल नगरी के एक निजी अस्पताल की प्रबंधक ने बच्चे के जन्म से पहले ही डायपर ट्यूब व बेबी फीडिंग आदि सहित दवाओं की अधिक कीमत 68,000 रुपए वसूले। विरोध करने पर पीड़ित पक्ष के खिलाफ कराया छेड़छाड़ का मामला दर्ज। श्रावणी तीज और रक्षाबंधन सहित 15 अगस्त तक चलने वाली पतंगबाजी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मूक परिंदों की प्राण रक्षा के लिए चाइनीज बांजों पर प्रतिबंध लगाया है। CCTV कैमरा सुधारने के बहाने घर में चोरी करने वाला CCTV मैकेनिक खुद मकान मालिक के मोबाइल से उसकी चोरी करते हुए क्लिप बनाने से पकड़ा गया। जिले के माजरा गांव में बनने वाले एम्स अस्पताल के लिए जमीन खरीदने की अवज में अभी तक सरकार की ओर से 27 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।